दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, बिहार में 22 रूटों पर चलेगी 88 बसें। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने की पूरी तैयारी। जी हां, बसों से सफर करने वालों को अब आने वाले दिनों में और सुविधा होगी। परिवहन विभाग ने राज्य के 22 रूटों पर और बसों का परिचालन करने का निर्णय लिया है। पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर सहित राज्य के कई प्रमुख शहरों से बसें चलेगी। इन रूटों पर 4-4 और बसों का परिचालन होगा। वर्तमान की तुलना में अधिक बसों के चलने से लोगों को अब आने जाने में सुविधा होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन 22 रूटों पर बसें चलेगी उसमें किशनगंज दरभंगा, भागलपुर दरभंगा, दरभंगा बेगूसराय, पटना सिकंदरा, नवादा मुंगेर, गया बरबीघा, गया जमुई, पटना मानपुर, पटना नवादा, पटना गया, पटना मोतिहारी, पटना जमुई, पटना पाली, पटना शेखपुरा, पटना मुंगेर, पटना बांका, मुजफ्फरपुर गोपालगंज, सिवान मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर छपरा, केसरिया इमली चट्टी, मुजफ्फरपुर, पटना समस्तीपुर व पटना भैंसा लोटन शामिल है। इसका परिचालन और कौन से रूट में होना चाहिए आप नीचे कमेंट जरूर करें। अगली बड़ी खबर, बिहार में 1 जुलाई से इन लोगों पर होने जा रही है कार्रवाई। जानिए क्या है पूरा मामला। जी हां, बिहार में 1 जुलाई से बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। यह कार्रवाई पटना और आसपास के क्षेत्रों में की जाएगी। इसके बाद पूरे प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। हालांकि बिहार सरकार की यह कार्रवाई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नहीं की जाएगी। दरअसल जिन बिजली उपभोक्ताओं ने 30 जून तक बिजली बिल जमा नहीं किया है उनके खिलाफ 1 जुलाई से बिजली विभाग कार्रवाई करने जा रहा है। बिजली विभाग ऐसे लोगों के घरों का कनेक्शन काटेंगे। सूत्रों के अनुसार औसत बिलिंग की व्यवस्था की जगह फिर से रीडिंग कर ऑन स्पॉट बिलिंग की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, 11 जुलाई को होने वाले राज्य स्तरीय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा स्थगित। जी हां, बिहार राज्य स्तरीय 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री जो 11 जुलाई को प्रस्तावित थी उसे अपरिहार्य कारणों से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस परीक्षा के आयोजन के लिए नामित राज्य नोडल अधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने इस आशय की विज्ञप्ति बुधवार को जारी की है। विज्ञप्ति में परीक्षा स्थगित करने का कोई खास कारण तो नहीं बताया गया, लेकिन समझा जाता है कि कोविड-19 संक्रमण के नजर राज्य सरकार फिलहाल कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती है। इसीलिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की सभी तैयारियां पूरी हो जाने के बाद भी परीक्षा स्थगित कर दी गई। बताया गया कि परीक्षा की नई तिथि की जानकारी यथाशीघ्र दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, बिहार पोस्टल सर्किल 1940 GDS के पदों पर आवेदन की तारीख बढ़ी। जी हां, भारतीय डाक विभाग के बिहार पोस्टल सर्किल में 1940 ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती के लिए आवेदन की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार अब 14 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट appost.in पर जारी सूचना के अनुसार अब उम्मीदवार 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को भारतीय डाक विभाग के GDS भर्ती पोर्टल appost.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही उम्मीदवार की उम्र 18 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, एस्टेट 2019 में 37,447 पदों के विरुद्ध 80,402 सफल घोषित। जी हां, एस्टेट 2019 के 21 जून को जारी परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों को विरोध प्रतिरोध के बीच बुधवार को शिक्षा विभाग ने इस पात्रता परीक्षा में कुल सफल अभ्यर्थियों की संख्या जारी कर दी है। एस्टेट 2019 में कुल 37,447 माध्यमिक उच्च माध्यमिक पदों के विरुद्ध 80,402 अभ्यर्थियों को सरकार ने सफल अर्थात पात्र घोषित किया है। अब सभी 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में आवेदन के लिए पात्र होंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने पहले ही आदेश जारी कर दिया है कि उत्तीर्ण तथा मेगा सूची में शामिल तथा उत्तीर्ण लेकिन मेगा सूची में नहीं शामिल दोनों कोटि के अभ्यर्थी पात्र घोषित किए जाते हैं। अगली बड़ी खबर, इग्नू ने परीक्षा फॉर्म असाइनमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करने की लास्ट डेट 15 जुलाई तक बढ़ाई। जी हां, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने टर्म एंड एग्जाम जून 2021 के लिए असाइनमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि की जमा करने की लास्ट डेट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। अब इग्नू के छात्र 15 जुलाई 2021 तक अपने असाइनमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट और परीक्षा फॉर्म 9 जुलाई तक जमा कर सकते हैं। इससे पहले परीक्षा फॉर्म असाइनमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि की जमा कराने की अंतिम तिथि 30 जून 2021 घोषित की गई थी।
अगली बड़ी खबर बिहार में बाढ़ को लेकर है। कोसी बागमती लाल बेकिया और बूढ़ी गंडक लाल निशान के पार, जहां राज्य की नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा का असर दिखने लगा है। बुधवार को चार नदियां लाल निशान के पार हो गई है। कोसी और गंडक उतरने के बाद फिर से चढ़ने लगी है। हालांकि गंडक नदी अभी भी डुमरिया घाट से मात्र 2 सेंटीमीटर लाल निशान से नीचे है। इसके अलावा कोसी बागमती लाल बेकिया और बूढ़ी गंडक नदियां भी राज्य के क्षेत्र में कई जगहों पर लाल निशान से ऊपर बहने लगी है। अच्छी बात यह है कि गंगा और पुनपुन का जलस्तर नीचे जा रहा है। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण में लाल बेकिया नदी इस साल पहली बार खतरे के निशान को पार कर गई है। अगली बड़ी खबर, राज्य के एक दर्जन जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट, भारी बारिश और वज्रपात का संकेत। जी हां, राज्य में मौसम का बड़ा अलर्ट है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात के लिए अलर्ट जारी किया है। विभाग की ओर से आगामी 24 घंटे तक विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। मौसम विभाग से जारी अलर्ट में मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, सुपौल, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण आदि जिलों के लिए आगामी 24 घंटे के भीतर भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। साथ ही विभाग ने इस दौरान लोगों से सुरक्षा की अपील की है। मौसम और आपदा प्रबंधन विभाग ने संबंधित जिलों के लोगों से अपील की है कि आगामी 24 घंटे के बीच लोग हरे पेड़, जर्जर छत, बिजली और टेलीफोन के खम्भे आदि के नीचे न रहे। अगली बड़ी खबर, बीपीएससी 65वीं मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित, 1142 परीक्षार्थी सफल। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग ने 65वीं मुख्य परीक्षा रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में करीब 1142 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। मुख्य परीक्षा फल में सफल अभ्यर्थियों के लिए अगले चरण की परीक्षा साक्षात्कार का आयोजन जुलाई के अंतिम सप्ताह में होगा। बीपीएससी 65वीं परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बड़ी खबर, टाटा मेमोरियल सेंटर और बिहार सरकार के बीच हुआ करार, SKMCH में बनेगा 100 बेड का कैंसर अस्पताल। जी हां, कल टाटा मेमोरियल सेंटर और बिहार सरकार के बीच सचिवालय सभागार में समझौता ज्ञापन हुआ। इस समझौते के तहत बिहार सरकार के द्वारा श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के पसंद में प्रदान की गई 15 एकड़ भूमि पर एक अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का निर्माण होगा, जिसकी लागत 300 करोड़ होगी। कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में 100 बेड का अस्पताल होगा, जहां सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव रसायन, निवारक ऑन्कोलॉजी और उपम शामक चिकित्सा की सुविधा रहेगी। कॉलेज में दाखिले का इंतजार कर रहे छात्रों को बड़ी राहत, पटना यूनिवर्सिटी में दाखिले की प्रक्रिया 2 जुलाई से शुरू। जी हां, कॉलेज में दाखिले का इंतजार कर रहे छात्रों को बड़ी राहत देते हुए पटना विश्वविद्यालय ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए 2 जुलाई से प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति गिरीश कुमार चौधरी ने घोषणा की है। ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट patnauniversity.ac.in पर उपलब्ध होगा। ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 3 जुलाई तक कर दी है। पहले आवेदन 19 जून से 28 जून 2021 तक होना था, लेकिन बोर्ड ने छात्रों का हित देखते हुए अंतिम तिथि 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले सरकारी सेवकों पर नकेल, आपराधिक केस की चेतावनी। जी हां, बिहार की नीतीश सरकार ऐसे सरकारी सेवकों पर नकेल कसने जा रही है जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। सरकार से अपनी संपत्ति छुपाने वाले सरकारी सेवकों पर अनुशासनिक कार्रवाई के साथ ही आपराधिक केस भी दर्ज किया जाएगा। इसको लेकर सख्त आदेश मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने बुधवार को जारी किया है। उन्होंने सभी विभागों के प्रधान सचिव, DGB, प्रमंडलीय आयुक्त और जिला अधिकारी को पत्र लिखा है, जिसमें कहा है कि सरकारी सेवकों द्वारा चल अचल संपत्ति का ब्यौरा तथा खरीद बिक्री की जानकारी दिए जाने का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। अगली बड़ी खबर, तेजस्वी ने जेडीयू में कर दी सेंध मारी, 3 जुलाई को ये 2 बड़े नेता RJD में होंगे शामिल। जी हां, RJD ने जेडीयू में सेंध मारी शुरू कर दी है। जेडीयू के 2 पूर्व विधायक RJD में शामिल होंगे, यह खबर पक्की है। इसके लिए दिन तारीख सभी तय हो गए हैं। दोनों की तेजस्वी से मुलाकात भी हो गई है, जिसकी तस्वीर वायरल हो रही है। जेडीयू नेताओं के RJD में शामिल होने की पुष्टि भी कर दी गई है। इन दोनों के शामिल होने पर RJD की ओर मजबूत होने की बात कही जा रही है। दरअसल जेडीयू के 2 पूर्व विधायक
मंजीत सिंह और महेश्वर सिंह आरजेडी में शामिल होंगे। दोनों का जेडीयू के साथ काफी पुराना नाता रहा है, लेकिन हाल के दिनों में हाशिए पर ढकेल दिए जाने से दोनों खासा नाराज है। दोनों की नजदीकियां आरजेडी की ओर बढ़ने लगी। अंततः वो घड़ी आ गई जब दोनों आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि गोपालगंज के बेकुटपुर से मंजीत सिंह विधायक रह चुके हैं, जबकि महेश्वर सिंह केसरिया से विधायक रह चुके हैं। बड़ी खबर, आम आदमी को झटका, अमूल दूध हुआ महंगा, 2 रुपए प्रति लीटर बढ़े दाम। जी हाँ, आम आदमी जहाँ एक तरफ पेट्रोल डीजल खाने के तेलों की बढ़ती कीमतों से परेशान है, वही अब आम जनों को दूध कंपनी की ओर से एक और झटका लगा है। कोरोना संकट काल में महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी पर एक और बोझ पड़ने जा रहा है। 1 जुलाई यानी गुरुवार से अमूल दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। देश के सभी राज्यों में नए रेट के साथ अमूल दूध मिलेगा। राज्य में 3 अगस्त से 3 नवंबर के बीच हो सकते हैं पंचायत चुनाव। जी, बिहार में पंचायत चुनाव 3 अगस्त से 3 नवंबर तक हो सकते हैं। 10 चरणों में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसमें पहले चरण की प्रक्रिया 3 अगस्त को पपत्र 5 में सूचना के प्रकाशन के साथ शुरू की जा सकती है। मतदान 27 अगस्त को हो सकता है। इसी प्रकार 10वें व अंतिम चरण के लिए 4 अक्टूबर को सूचना प्रकाशन कर 31 अक्टूबर को मतदान की संभावना है। साथ ही आपको बता दें कि अभी 10 चरणों में मतदान के 3 दिनों के अंदर वोटों की गिनती भी कराई जा सकती है। आज के लिए आपका सवाल, बताएं कि आपके अनुसार बिहार में पंचायत चुनाव का सही समय क्या है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।